Live, a platform to share thoughts. नमस्कार दोस्तों, सिटी लाइव न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं दीपक गोस्वामी और आप इस समय देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम आपकी बात हमारे साथ। इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय हम, हमारा राज्य, हमारा देश और पूरी दुनिया COVID-19 यानी कि कोरोना वायरस से जूझ रही है, उससे युद्ध कर रही है और आने वाले कल हम इस युद्ध में निश्चित रूप से जीत जो है वो हमारी होगी। हर रोज हम आपको हमारे कार्यक्रम के माध्यम से अलग अलग लोगों से मुलाकात करवाते हैं, उनसे रूबरू होते हैं। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जो लोग उपस्थित हैं उनमें हैं डॉक्टर विपिन खंडेलवाल जी, जो कि संतोख बाद दुर्लभ जी हॉस्पिटल में HOD हैं, न्यूरो सर्जन हैं आप, और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं PM अग्रवाल साहब, जो कि डायरेक्टर हैं जगन्नाथ पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड JPPL के। आप दोनों का हमारे कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले डॉक्टर विपिन खंडेलवाल, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अभी वर्तमान में आज की स्थिति में अगर हम देखें तो कोरोना वायरस जो है, जो संक्रमण है, उसमें हम कहां तक जीत पाए हैं, उसको हम कहां तक चुनौती दे पाए हैं? कोरोना देखो एक वायरस ऐसा है जिसकी विरुलेंस, मतलब ये जिंदा बहुत टाइम तक रहता है कहीं से निकलने के बाद जी। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इसके कॉन्टेक्ट में नहीं आए। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंडिया में लॉकडाउन की वजह से कांटेक्ट को बहुत कम किया जा चुका है। आप देखेंगे अमेरिका में जहां 8 लाख केस हैं, इंडिया में करीब 25,000 के करीब केस हैं जो लॉकडाउन की वजह से हमने कम किए हैं, कर पाए हैं हम लोग। अब इस स्थिति को आगे मेंटेन करने के लिए हमको युद्ध स्तर पे या बहुत ही जी आवाज बंद हो गई ना, लगता है डॉक्टर साहब की आवाज हमसे डिस्कनेक्ट हो गई है। मैं PM अग्रवाल साहब जी, डॉक्टर साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? आवाज फिर वही डिस्कनेक्ट हो गई कोई। जी जी आवाज आ रही है आपको, मेरी आवाज आ रही है आपको? एक सेकंड, चलिए तब तक मैं PM अग्रवाल साहब आपसे एक सवाल कर लेता हूं कि आप क्योंकि व्यवसायी भी हैं और आप JPPL के डायरेक्टर भी हैं, आप PPE किट जो है वो तैयार करते हैं, तो लगातार हम देख रहे हैं कि इस समय पूरे देश में PPE किट की जो है कितनी आवश्यकता है, तो आप इसकी पूर्ति किस तरह से कर रहे हैं? क्या आपने पूरा काम जो है शुरू किया हुआ है? किस तरह से आप इसकी तैयारी में लगे हुए? जब ये कोरोना महामारी आई तो इसकी PPE किट की जो अखबारों में के माध्यम से और संचार माध्यमों से ये मालूम चला कि PPE किट की बहुत कमी है। हम फ्लेक्सिबल पैकेजिंग मटेरियल की यूनिट है हमारे, 25 साल से हम इस कार्य में है। हमारे को नॉलेज था भाई ये कैसे बनेगा, तो कुछ डॉक्टर्स की टीम के द्वारा हमारे को ये बताया कि भाई ये आप PPE किट बना दीजिए, फिर हम इसमें लगे। हमने 3 दिन के अंदर इसके सैंपल किट हमने बना दिए। उसमें थोड़ी शुरू शुरू में कमियां भी थी, जो शुरू शुरू में हमने PPE किट बनाए उनमें थोड़ी कमियां भी थी, लेकिन फिर बाद में दूसरे और तीसरे लोट में हमने बढ़िया PPE किट बना दिए जी। अभी हमारी कंपनी लगभग 500 PPE किट पर डे बना रही है और ये बहुत इकोनॉमिक कॉस्ट पे हमने इसको डेवलप किया है जी। लगभग 200 रुपए की हमारी कॉस्ट है इसकी, जो हम अभी दे रहे हैं बाजार में। जो PPE किट है वो 800, 1000, 400, 1200 रुपए तक के हैं ये। और अब जैसे हमारे पास रिक्वायरमेंट कोई बढ़ती है तो हम इसका और भी प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इतने 500 पे सीमित रहेंगे, और भी बढ़ा सकते हैं हम इसका उत्पादन। अग्रवाल साहब, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा कि इसकी क्या खासियत होती है, इसमें क्या ऐसी विशेषता होती है जो कि जो संक्रमण है वो अंदर तक नहीं आ पाता? ये जो हमारा PPE किट है ये PE बेस्ड मटेरियल से है और ये हमने कुछ इसमें एंटीवायरिक मटेरियल डाल करके इसको तैयार किया है, जिसके अंदर कोई भी संक्रमण इसमें पास ऑन नहीं हो सकता है। और यह संक्रमण यदि पास हो जाएगा तो ये PPE किट फैल हो जाएगा, इसलिए ये जो PPE किट बनाया है ये संक्रमण रोधित ही है, संक्रमण इसमें पास नहीं होगा जी। हाँ
जुड़ चुके हैं, मेरी आवाज आ रही है? वायरस से किस तरह हम युद्ध लड़ सकते हैं, क्या इस समय देश में क्या स्थिति है कोरोना वायरस की? एक वायरस है जो चाइना में और कई अलग कंट्रीज में धूम जी मचाने के बाद इंडिया में आया है। इंडिया में लॉकडाउन अर्ली टाइम पे करने से एक फायदा जो सबसे ज्यादा हुआ, इसके कांटेक्ट हमने कांटेक्ट ये वायरस था विरुलेंट है कि फट से इसकी तो एक बार निकलने के बाद जैसे अपन बोलते हैं खांसते हैं या छींकते हैं या टच करते हैं तो ये वायरस फैल जाता है और वो काफी दिन तक सरफेस पे जिंदा रहता है। उस कांटेक्ट से टच करने पे या उसके कांटेक्ट में आने से हमको ये कोरोना लग जाता है। लॉकडाउन करने से हमारी जो आपस में मिलने का एक साथ जुड़ने का फैलने का जो कांटेक्ट है उसको हम दूर रख पाए, इसकी वजह से हमारे देश में कंपैरेटिवली अर्ली लॉकडाउन होने से हमारे ये कॉन्टेक्ट भी कम रहे। इसकी वजह से हमारे देखा जाए अमेरिका में देखा जाए तो 8-9 लाख केस है और हमारे यहाँ 25,000 केस है और हम बहुत अच्छी स्थिति में, हमारे पेशेंट भी ठीक हो रहे हैं और हमारे मोर्टेलिटी रेट भी कम है तो हम एक इस युद्ध को काफी हद तक जीत चुके हैं। आगे जीतने के लिए हमको ये करना पड़ेगा कि हमको जो सावधानियां बताई गई है वो कंपैरेटिवली अच्छे से हमको मेंटेन करनी पड़ेगी। डिस्टेंस एक सबसे बड़ी चीज है कि डिस्टेंस और मास्क का यूज। जी देखिए निश्चित रूप से हमें जो डिस्टेंस है वो रखना पड़ेगा चाहे हम कितना ही कोरोना वायरस से जीत जाएं, लेकिन जो आपसी दूरी है जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो हमें जरूर और जरूर बना के रखनी है। और यहाँ पर अग्रवाल साहब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अभी हमने कई जगह देखा है डॉक्टर जो है पीपी किट पहने हुए थे बावजूद इसके उन्हें संक्रमण हो गया, तो यहाँ कहीं ना कहीं क्या कमी समझते हैं आप? देखो एक पीपी किट जो बन रहे हैं ना वो जी सब स्टैंडर्ड है, कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। पीपी किट तो बहुत बन रहे हैं जी, लेकिन एक मेडिकल में हर चीज का एक क्राइटेरिया गाइडलाइन है कि ऐसे पीपी किट बनने चाहिए जी। कई पीपी किट फट रहे हैं, कहीं ट्रांसफर जो बॉर्डर में चला जाता है, कहीं स्क्रीन सही नहीं है, कहीं मास्क सही नहीं है, ये सब कुछ ऐसे होना चाहिए जिससे वो एक स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए। अभी क्या पीपी किट बन रहे हैं गाइडलाइन की हर तरह से बनाने लगे, इससे बड़ी प्रॉब्लम है। जो पीपी किट स्टैंडर्ड का एक जो बनेंगे जिसमें अपने मॉइस्चर नहीं जाएगा, जिसके अंदर आप फटेंगे नहीं, जो बिल्कुल कवर रखेंगे, फेस कवर रखेंगे, किसी भी बस स्क्रीन है जब मैं स्क्रीन लगा करता हूँ आपको मास्क लगा देता हूँ, एन मास्क है ये, इस एन मास्क का लगाने में आपको बिल्कुल आप बिल्कुल कवर रखते हैं, कार को एयर बिल्कुल नहीं निकलती है। इसके अलावा एक स्क्रीन लगाने में पहनने के बाद अब इसके अंदर हमारे ना तो हमारे बाहर से हमारे डॉक्टर हमारे जाएंगे ना पेशेंट हमारे पास आएंगे और पूरा पीपी से हम करेंगे तो बिल्कुल पास को बिल्कुल मॉइस्चर को अंदर भी जाने देता है, उसके अंदर ना एयर अपने कर सकते हैं ना कुछ मॉइस्चर करके अंदर से ठीक है, हम कवर्ड होते हैं, ये कवर करने के बाद आवाज को बिल्कुल सही मायने में माना जाता है कि यहाँ की पीपी बिल्कुल सही इस्तेमाल के लिए है। बिल्कुल बिल्कुल जो पानी है वो चला जाता है या कुछ ना कुछ ऐसी चीज होती है जिससे कहीं ना कहीं वो चल जाता है। आप देखें टीयर यानी आंख के थ्रू भी कोरोना वायरस आपके अंदर जा सकता है। जी बिल्कुल, मैं यहाँ पर हमारे साथ अग्रवाल साहब जुड़े हुए हैं जो कि मैन्युफैक्चरर हैं पीपी किट के, इनसे जान लेते हैं। अग्रवाल साहब आप बताइए कि बहुत सी जगह हमने ये भी देखा है कि पीपी किट पहनने के बाद भी जो डॉक्टरों तक को संक्रमण हो गया, तो इसके पीछे क्या कारण बनते हैं? कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग में कमी रही है या आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे डॉक्टर अग्रवाल साहब? ये जो डॉक्टर साहब बता रहे थे भाई पीपी किट में ये नॉन स्टैंडर्ड के हैं, जो नॉन स्टैंडर्ड के पीपी किट हैं उनमें प्रॉब्लम है ही, उसके अंदर ये डायरेक्ट नॉन वोवन जो कपड़ा आता है उससे सिल करके बना दिया, चैन लगा दी, दिखने में तो वो सुंदर होते हैं लेकिन उनकी गुणवत्ता सही नहीं होती है, इस कारण से ये संक्रमण हो गया और पीपी किट पहनने के बावजूद भी वो संक्रमण हो गया इनमें। तो अभी जो डॉक्टर साहब बता रहे थे भाई ये स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, तो हर आदमी जैसे पीपी किट बनाने लग गया ना तो ये इस कारण से जो सिलाई वाले लोग थे वो भी सिल सिल करके पीपी किट देने लग गए, उनको यही नॉलेज नहीं है भाई ये संक्रमण कैसे रुकेगा कैसे नहीं रुकेगा, और बस वो एक फोटो देख करके पीपीए किट इन्होंने बनाए हैं, तो वो तो सही होंगे ही नहीं, किसी सूरत में नहीं होंगे।
जब अपन ने पेपर में भी पढ़ा था भाई, ऐसे में छोड़ रहे पीपीए किट पहनने के बाद फट गए पीपीए किट, तो ये तो बहुत गलत बात है। नॉन स्टैंडर्ड पीपीए किट थे, इस कारण से वो फट गए, घटिया क्वालिटी के पीपीए किट थे सर जी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मेरा डॉक्टर साहब मेरा सवाल आपसे यही है, डॉक्टर साहब मेरा सवाल आपसे ये है कि जब सरकार लेती है या कोई भी मेडिकल हेल्थ एजेंसी जो है जो इसके लिए अप्रूव्ड होती है, कि वो जब इस तरह के मास्क लेती है या पीपी किट लेती है, तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं होती है कि पूरी टेस्टिंग के बाद लें उसे, या हर किसी से ले लें ऐसे? देखो अभी मैं आपको एक उदाहरण दूं, चाइना से रैपिड किट आए थे जी, आपको उदाहरण दूं, वो सब स्टैंडर्ड के थे, जिसमें टेस्ट पॉजिटिव ही नहीं आ रहे थे, जिनका नेगेटिव था उनका भी पॉजिटिव आया था, और जिसका पॉजिटिव आया था उसका नेगेटिव आया था, तो सब स्टैंडर्ड के किट आ गए। ऐसे ही पीपी किट है, यदि वो सब स्टैंडर्ड के आएंगे तो काम कैसे करेंगे? लेकिन वो जिम्मेदारी किसकी है सर? तो जिम्मेदारी एक जनरली जैसे एक दवाई बनती है तो फार्मेसी वाले होते हैं, उनके एक मेडिकल काउंसिल होती है, वहां पे चेकअप होता है, उनका स्टैंडर्डाइजेशन कैसा है, कुछ मापदंड लिखे जाते हैं, तो वो मापदंड यदि अपन नहीं अपनाएंगे तो ये सब स्टैंडर्ड का सामान जाएगा, सब स्टैंडर्ड का सामान जाएगा तो कोरोना वायरस फैलेगा। इनके स्टैंडर्ड में ही चेक करते हैं कि कोई भाई जो आपने मेटेरियल यूज किया है उसका स्टैंडर्ड क्या है, तो आप चश्मा या स्क्रीन दे रहे हो उसका स्टैंडर्ड क्या है, जो मास्क दे रहे हो उसका स्टैंडर्ड क्या है, उनका क्या है। जब तक ये स्टैंडर्डाइजेशन इनके मेंटेन नहीं होंगे तो आप इसकी जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट है, जो भी एजेंसी इसको सप्लाई करती है उसकी होगी। बिल्कुल, मैन्युफैक्चर तो कुछ भी बना के दे देगा, ये तो थोड़ी कोई बना के देगा और उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। मेडिकल में हर कैलकुलेशन होता है, वो करना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल, ये जिम्मेदारी देखिए किसी न किसी को तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम पूरे मापदंड के साथ आएंगे या हर किसी ने, जैसे कि अग्रवाल साहब बता रहे थे घरों में बना बना के ही लोग पीपी किट दे रहे हैं, तो लेकिन उसको बना के तो दे रहे हैं, लेकिन वो जिम्मेदारी सरकार की है या मेडिकल की जो संस्थाएं हैं, जो मेडिकल के जो सदस्य होते हैं जिनको अप्रूव करने के लिए रखा जाता है, उनकी पूरी तरह से जिम्मेदारी है। अग्रवाल साहब आप बताइए, यहाँ पर आप इस सारी चीजों को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि अभी आपने कुछ समय पहले ही डॉक्टरों को भी पीपी किट जो है वो डोनेट किए थे, तो आप बताइए इस बारे में कि किस तरह, क्या मापदंड क्या होने चाहिए? सर पीपीए किट बनाने के मापदंड जो बनाने वाला है मैन्युफैक्चरर, जिम्मेदारी तो उसी की होनी चाहिए भाई, ये हेल्थ से जुड़ा हुआ मामला है डायरेक्ट, इसको यदि गलत चीज अप्लाई हो जाएगी तो इसमें मतलब स्वास्थ्य से संबंधित है ये, तो ये तो जिम्मेदारी तो मैन्युफैक्चरर की, सबसे पहले जिम्मेदारी तो मैन्युफैक्चरर की होनी चाहिए भाई, वो अपने मापदंड के हिसाब से पीपीए किट तैयार करे, कोई भी मटेरियल तैयार करे, अपने उसके मापदंड और स्टैंडर्ड है उसमें मानक में खरा उतरे हों, तभी उसको बाजार में उतारना चाहिए, वरना उसको नहीं देना चाहिए, ये जिम्मेदारी तो मैन्युफैक्चरर की है। और लेने वाले को तो इतना पता भी नहीं होता है, डॉक्टर अब मान लो वो लैब में जाए और जाएंगे बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है, तो तब मैन्युफैक्चरर इसको बाहर निकालता है, चाहे कोई भी मैन्युफैक्चरर हो, मैं हूँ कोई भी हो, तो उसको ही उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए भाई, उसने बिल्कुल अपने मानक के हिसाब से उसको मटेरियल को बाहर निकालना चाहिए, वरना उसको नहीं निकालना चाहिए। निश्चित रूप से यहाँ पर अग्रवाल साहब आपसे हम जानने चाहेंगे, अभी आपने क्योंकि डॉक्टरों को भी कुछ डोनेट के रूप में अपने पीपी किट दिए थे, हमने कल एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया था जिसमें हमने पुलिस विभाग की वास्तविक स्थिति के बारे में बताया था कि पुलिस वालों के पास पूरी तरह से मास्क भी नहीं है, उनके पास पूरी तरह से पीपी किट भी नहीं है, और सबसे ज्यादा आगे जो रहते हैं वो डॉक्टर्स और हमारे जो पुलिसकर्मी हैं वो सबसे आगे इस कोरोना के युद्ध में लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। तो मैं अग्रवाल साहब आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह आपने डॉक्टरों को कुछ पीपी किट डोनेट किए थे, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप जो है पुलिस विभाग में भी, डॉक्टरों को तो आप दे ही रहे हैं, और हमारे ये निवेदन आपसे है कि पुलिस विभाग को भी आप कुछ इस तरह के डोनेशन दें जिससे कि वो अपनी जान बचा सके और हम सबको बचा सके। बिल्कुल साहब, आपका ये बढ़िया है कि अपन पुलिस विभाग को भी दे सकते हैं, पुलिस विभाग जो हॉट स्पॉट एरिया के अंदर ड्यूटी करती है तो उनको तो ये जरूरी ही है पहनना, हॉट स्पॉट एरिया के अंदर जो काम करते हैं उनको जरूरी है। अरे एक पीपीए किट के अलावा एक हमने फेस शील्ड भी लॉन्च की है, जो कि ये मैं पहन के भी बता रहा हूँ आपको, ये फेस शील्ड है, ये भी एक बहुत मास्क को भी प्रोटेक्ट करती है और जो वायरस होती है उसको भी प्रोटेक्ट करती है, डायरेक्ट फेस पे आंखों पे नहीं आती है, तो ये फेस शील्ड भी बहुत पुलिस के लिए बहुत उपयोगी है भाई, ये जो हॉट स्पॉट एरिया में काम करते हैं और तो उनके लिए तो ये बहुत जरूरी है साहब, पीपीए किट और ये फेस शील्ड दोनों ही जरूरी है, तो अपन इसको बिल्कुल देने के लिए तैयार है, ऐसा कुछ नहीं है। दीपक जी आप जैसा आदेश करेंगे वो अपन
अपने देंगे, जरूर देंगे। नहीं नहीं बहुत बहुत धन्यवाद। हम बिल्कुल पुलिस कमिश्नर या पुलिस महानिदेशक के पास जाकर कुछ पीपीई किट और इस तरह के जो मास्क हैं जो आपने तैयार किए वो एक समाज सेवा के रूप में, क्योंकि आप समाज सेवी भी हैं, आप उद्योगपति भी हैं, व्यवसायी भी हैं, तो निश्चित रूप से हम ये चाहेंगे कि हम खुद आपके साथ मिलकर आपके साथ जाकर हमारी जो टीम है वो पुलिस कमिश्नर को और जो पुलिस महानिदेशक है उनको हम सप्रेम भेंट करके आएंगे ताकि वो अपनी जान बचा सकें और हम लोगों की सुरक्षा जो है कर सकें। डॉक्टर साहब मैं आपके पास वापस आना चाहूंगा कि अभी हम लगातार जिस तरह, क्योंकि अब कुछ काफी दुकानों को छूट भी दे दी गई है और कुछ मॉडिफाइड लॉकफाइड जो लॉकडाउन है वो भी शुरू हो चुका है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये खतरे की घंटी भी नजर आ रही है, तो इसके लिए हमको क्या विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए? क्योंकि देखिए जैसे हम डेली के यूजेस के सामान लाते हैं, ब्रेड लाते हैं, नमकीन लेके आते हैं, ये पैकेट्स हम घर पर लेके आते हैं, सब्जी लेके आते हैं, फ्रूट लेके आते हैं, तो हमको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए इसमें? सर देखिए सावधानी ही इसका उपाय है, कोविड का सबसे इम्पोर्टेंट जो उपाय है वो सावधानी। सावधानी क्या क्या करनी है, जैसे आपको बाहर निकलना है तो भीड़ भरे इलाके में ना जाएं, अननेसेसरली बाहर नहीं जाएं, यदि जाना पड़े तो कवर्ड होके जाएं, मतलब मास्क ऐसे नहीं गवर्नमेंट के लिए लगा लिया, मास्क ऐसा लगाएं जिससे आपको एयर बाहर की एयर में सांस छोड़ना नहीं पड़े, यानी आपके ड्रॉपलेट बाहर नहीं जाए, आप छींके तो ड्रॉपलेट आपके मास्क में रहें, उसी चीज खाते जाए वहां टच करने से बचें, तो जितना कोशिश करें टच करने से बचें, एक थैला घर से लेके जाए अपना, घर से सामान सारा उसमें डलवा के लेके जाए, सामान को दुकान में देना और सामान सारा उसमें डलवा के लाएं और घर पे आके धोने या कहीं डाल दें, तो पैकेट्स हैं इन वो वॉश किए जा सकते हैं या साफ किए जा सकते हैं किसी तरीके से, तो उसको सैनिटाइज कर लें, सब्जियां करें उनको थोड़े टाइम के लिए मेरे हिसाब से कम धूप में डाल दें, तो इस तरीके से हम चीजों से प्रोटेक्टेड बिना टच किए उनको अच्छे से सैनिटाइज करके या उनको यूज करें, कोशिश करें कि जहां तक अवॉइड हो सकता है आप ना घूमें और कॉन्टेक्ट में आने की, लोगों के भीड़ में जाने की कोशिश ना करें, ये सबसे बड़ा उपाय रहेगा। दुकानदार खुले दुकान के बंद करें, जाए अंदर कम जाए और जाए तो मास्क लगा के जाए, हाथ में ग्लव्स रखे जाए, साथ में सैनिटाइजर रखें, जिस भी चीज को टच करें उस पर अपने हाथ जरूर सैनिटाइज करें, भीड़ बाहर पड़ जाएगी तो जूते कंफर्टेबली जूते घर के बाहर ही रहने चाहिए, जैसे अपने पुराने कल्चर में होता था अपन जूते घर के बाहर ही खोलते थे, जूते बिल्कुल भी बाहर निकाल के रखते, ऐसे ही अपने जो कपड़े हैं वो बाहर के किसी बात तो घर के बाद बाथरूम में वहाँ पे या कहीं को भी चेंज करके उसके बाद ही घर में एंट्री करें, तो इस तरह से बचाव अपन से या कॉमन सेंस से यदि अपन एक्टिंग करेंगे तो भी अपने को बहुत फायदा हो सकता है, अपन बच सकते हैं। निश्चित तौर पर हमें अपनी पुरानी परंपराओं में आना पड़ेगा, घर के बाहर जूते खोलकर उसके बाद अंदर आना पड़ेगा, घर में प्रवेश करने से पहले हमको अपने हाथ और पांव जो है वो अच्छे से धोने चाहिए और उसके बाद जो है हम अपने घर में प्रवेश करें, या कोई भी आपके घर में अभी मेहमान हो सके तो उसे मेहमानों को अभी आप निमंत्रण न दें, कुछ समय के लिए उनसे और परिवार से सबसे दूरी बना के रखें, तब जाकर हम भविष्य में लगातार उन सबसे मिल सकते हैं। अग्रवाल साहब आप जैसे बहुत बिरले होते हैं, कम लोग होते हैं जो व्यवसाय तो करते हैं और व्यवसाय के साथ साथ समाज सेवा में भी अग्रणी रहते हैं, आगे रहते हैं, जैसे कि आपने डॉक्टरों को दिए, अब आप पुलिस विभाग को भी दे रहे हैं, तो ये प्रेरणा जो है आपको कहाँ से मिली, कैसे मिली? सर ये जो कोरोना महामारी फैली तो उस समय जो ये देखा भाई ये अपन कुछ कर सकते हैं और हमारे किताब वगैरह हम सब फ्री थे, फैक्ट्रियां बंद थी, तो कुछ डॉक्टर्स की सलाह से हमने इसको तैयार किया, तो डॉक्टर्स ने हमको उस समय प्रेरणा दी थी भाई लाभ बाद में सेवा पहले, तो लाभ बाद में सेवा पहले की ये प्रेरणा है हमारे और हमारे पूर्वजों की भी है, सब ऐसा नहीं है हमारी है, हमारे पूर्वजों की भी है, लाभ बाद में सेवा पहले, तो लाभ तो होता रहेगा जब सेवा हो जाए तो फिर लाभ ही लाभ है सर। निश्चित रूप से बिल्कुल बिल्कुल आपका कहना बहुत सही है कि लाभ के साथ साथ में सेवा के साथ लाभ और लाभ के साथ में सेवा होती है, तो लाभ कहीं ना कहीं ज्यादा मिलता है। डॉक्टर साहब मेरा आपसे यहाँ पर जो मेरा ही सवाल नहीं है बल्कि आम लोगों का भी यही सवाल है कि अभी लगातार क्योंकि ऐसी स्थिति है हम घर से बाहर जाते हैं फिर वापस घर के अंदर आते हैं और जो हम बाहर से चीजें जैसे दूध की थैली है तो इनको हम किस तरह से उपयोग में लें, या घर में जो बाई आ रही है उनको अभी आने दें या उन्हें कुछ समय के लिए रोक दें, हमारे कपड़े जो प्रेस होने के लिए बाहर जाते हैं
वो भी कई हाथों से होकर गुजरते हैं, उसके बाद हमारे आते हैं, तो इन सब में क्या हमको सावधानी रखनी चाहिए? जी डॉक्टर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है डॉक्टर साहब को हमारी आवाज नहीं आ रही है। डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है जी। मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि एक तो हम लगातार जो बाहर से कपड़े अभी भी प्रेस करवा रहे हैं, वो भी कपड़े बाहर से प्रेस होकर कई हाथों से गुजर कर आते हैं, इसके अलावा हम दूध की थैलियां लेके आते हैं, दही लेकर आते हैं, और घर में क्या हमको अभी अपने जो काम करने वाले लोग हैं, जो मेड्स वगैरह हैं, उनको बुलाना चाहिए या नहीं बुलाना चाहिए? आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? और अगर हमें थोड़ा सा भी जुकाम या बुखार होता है तो उसके लिए हमें क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए? देखो, मेरा ऐसा मानना है कि बचा इसमें कोविड में बचाव ही उपाय है। आप जितना बचेंगे उतना इससे दूर रहेंगे। आपको अपने घर में मेड नहीं बुलानी चाहिए, उनको अवॉइड करना चाहिए, अपने वो उनका स्टेटस पता नहीं होता। यदि आपका मेड या सर्वेंट आपके घर में ही रहता है पहले से, और वो पहले शुरू से आपके घर में ही है और कहीं बाहर नहीं जाता, तो अलग बात है। यदि मेड या सर्वेंट बाहर से आ रहा है तो उसकी उसके कोविड पॉजिटिव होने के चांसेस हैं या नहीं, इसका किसी को पता नहीं होता, पहली बात जी। दूसरी बात, आप आवाज आ रही है आपको? आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बोलिए आप जी। बोलिए, आपकी आवाज आ रही है डॉक्टर साहब? आवाज आ रही है क्या? बिल्कुल आ रही है डॉक्टर साहब, बोलिए आप। लगता है डॉक्टर साहब को हमारी आवाज नहीं आ पा रही है। अग्रवाल साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अग्रवाल साहब, आप जो आप क्योंकि समाज सेवी भी हैं, व्यवसायी तो हैं ही, समाज सेवी भी हैं, तो आप हमारे समाज के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप रात दिन सब तरह के लोगों से मिलते हैं, उनके साथ मिलना जुलना होता है, तो आप उन लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? क्योंकि आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिना किसी काम के अपने घरों से बाहर आ रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो दीपक जी आप, कि ये सोशल डिस्टेंसिंग बना करके और कम से कम बाहर जाना चाहिए, बाहर से लाई हुई जो भी सामान है उसको सैनिटाइजर करके, उसको सुखा करके धो करके काम में लेनी चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा भाई, बाहर से मेड वगैरह काम करने वाली बाई वगैरह को कम से कम ही बुलाना चाहिए, नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि उससे संक्रमण हो सकता है। अपन कितने भी उपाय कर लें, लेकिन इससे मतलब जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसी से अपना इसका बचाव होगा, और कोरोना सिर्फ सावधानी से ही इसका बचाव होगा। और मैं लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग बनाए, ज्यादा से ज्यादा दूरी बनाए, कम से कम घर के बाहर जाए और कम से कम लोगों से मिले, मेहमानों को कम से कम बुलाए और खुद भी कम जाए। निश्चित तौर पर डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि जब घर में अगर हमें सामान्य रूप से भी केवल खांसी जुकाम या हल्का सा बुखार आ जाता है तो इसके लिए व्यक्ति घबरा जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, पहले तो तीन चार बातों का ध्यान रखें। खांसी जुकाम एक आम प्रॉब्लम है, परंतु कोरोना के युग में ये एक ऐसा सिम्टम बन गया है जिससे आदमी बहुत डर रहा है। तीन चार बातों का ध्यान रखें। पहला तो आप बाहर तो नहीं गए, आप किसी कॉन्टेक्ट में तो नहीं आए, आपने कोई विदेश यात्रा या कोई यात्रा तो नहीं की है, और यदि आपके कॉन्टेक्ट में कोई नहीं आए, आपके आस पड़ोस में कोई कोरोना का पॉजिटिव नहीं है, तो कम से कम डरने की जरूरत नहीं है। एक बात जी, जैसे आरोग्य ऐप एक आपका ऐप लागू लॉन्च किया हुआ है, उसको लोग लॉन्च करके रखें। यदि आपके वो सिम्टम्स में ये सब चीज नहीं आती है तो आप थोड़ा सा आपका डर कम हो सकता है। यदि आपको बुखार या खांसी बहुत कम टाइम से और जैसे है, बदन मिलती है और तो जरूर एक डॉक्टर से कंसल्ट करके ये देखें आपको कोई सिम्टम कोरोना वाले को नहीं है, क्योंकि आप आज आदमी एक कम बुखार से बहुत डरने लग गया है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन आपकी कॉन्टेक्ट हिस्ट्री नहीं है, आपके आसपास में कोई कोरोना का पॉजिटिव नहीं है, यदि आपने कोई विदेश यात्रा या कोई यात्रा नहीं की है, या आपके घर में कोई ऐसा आदमी नहीं आया है कोरोना का, तो आपको जरूरत नहीं है। फिर भी आपको डर है तो एक बार डॉक्टरी सलाह लेने में कोई बुराई नहीं जी। लेकिन यदि आप जो चाहता हूँ मेरे बातें बताने के लिए वो नहीं है, तो एक बार अपना डर कम कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको यही कहूंगा कि डर एक साइकोलॉजिकल जो डर बन गया है, उसके लिए डॉक्टरी सलाह लेना जरूरी है जी। निश्चित तौर पर हमको जो साइकोलॉजिकल जो भय है, जो डर है, उसको हमारे दिल और दिमाग से निकालना चाहिए,
और आपको हमको सबको मिलकर इस कोरोना के खिलाफ लड़ना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने जो कीमती सुझाव दिए, जो जानकारी दी, उम्मीद करते हैं कि लोगों को इससे निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। और अग्रवाल साहब, आपने जो अपना बड़ा दिल रखकर एक व्यवसायी होने के साथ साथ समाज सेवी भी हैं, आप खुद डॉक्टरों के साथ साथ आप जो पीपी किट और दूसरे जो सुविधाओं के आइटम है जो अभी बहुत जरूरी है, पुलिस विभाग को भी देने के लिए आपने कहा है, तो आपका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और डॉक्टर साहब, आपका भी धन्यवाद, आपने जो जानकारी दी। और एक बार फिर मैं अग्रवाल साहब के लिए कुछ कहना चाहूंगा। अग्रवाल साहब जी बोलिए। अग्रवाल साहब, जो आप पीपी किट बना रहे हैं, 200 के बना रहे हैं, तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि अच्छे किट बनाएं, स्टैंडर्ड के बनाएं, और लोग जो आपके साथ बना रहे हैं उनको भी कहें कि हम स्टैंडर्ड के बनाएंगे तो हम सब बचेंगे, हमारा समाज बचेगा, हमारा देश बचेगा और हमारा वर्ल्ड बचेगा। तो पीपी किट बनाना ही पैसे के लिए नहीं बनाना, मरीजों को बचाने के लिए और जान बचाने के लिए बनाना है। पैसे के लिए लोग आगे तो पैसा बनाने के लिए कोशिश करेंगे, पैसा बनाएंगे या बेचेंगे या सप्लाई करेंगे, उसके लिए पीपी किट बनाने की कोशिश ना करें, अच्छे बनाएं, स्टैंडर्ड के बनाएं, तो बहुत फायदा होगा, इससे देश बचेगा। बिल्कुल, समाज बचेगा, देश बचेगा, स्टेट बचेगा, ये मेरी बात है आपको। बिल्कुल अग्रवाल साहब, मैं जी बोलिए, आप बताइए, बोलना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब ने जो सुझाव दिया वो बहुत बढ़िया, सराहनीय है। और ये जो पीपीए किट हमने डेवलप किया है, ये डॉक्टरों की परामर्श से ही डेवलप किया है। हमारी फ्लेक्सिबल पैकेजिंग लाइन है, हमारी तो मेडिकल लाइन भी नहीं है, और हमको तो इसके मानक वानक का भी पता नहीं था। जब हमने डीआरडीओ में इसके टेस्टिंग के लिए भेजा तो उन्होंने बिल्कुल इसको अप्रूव किया है। और सिप्टा कोयंबटूर में हमने इस हमारे किट को टेस्टिंग के लिए भेजा है, वहां से रिपोर्ट भी 2-3 दिन में आ जाएगी। उसके बाद में ये बिल्कुल 100% मानक तथ्यों पे है, और ये डॉक्टर के द्वारा ही निर्मित, डॉक्टर की टीम के द्वारा सर्टिफाइड करके ही, एसएमएस के डॉक्टरों के द्वारा सर्टिफाइड करके ही दिया है। लगभग 1000 किट हमने एसएमएस में सप्लाई भी किए हैं, डोनेटर्स के माध्यम से गए हैं, डायरेक्ट नहीं गए हैं, डोनेटर्स के माध्यम में एसएमएस में सप्लाई हुए हैं, और ये काफी कारगर है। और हम बढ़िया ही बनाएंगे, यदि कोई जरा सी भी कमी रहेगी तो मैं ये आश्वस्त करता हूँ, जगन्नाथ पॉलीमर ये 25 साल से कार्यरत कंपनी है, हम एक गलत चीज हम बाजार में नहीं उतारेंगे। और हमने, हमारा ये धैर्य नहीं है हमारा इस किट से पैसा कमाना, क्योंकि ये किट तो बहुत एक बहुत छोटी कॉस्ट का आइटम है हमारे लिए, और हमारा काफी काम है, फ्लेक्सिबल पैकेजिंग मटेरियल है हमारा। तो हम तो ये किट को हम एक सेवा के हिसाब से ही हमने डेवलप किया है, और इसके अलावा एक फेस शील्ड डेवलप किया है। जो अपना पीपीए किट है डॉक्टर साहब, मैं ये बताना चाहता हूँ, ये बहुत सस्ता किट हमने डेवलप किया है पीई बेस का। इसकी टेक्निकल डिटेल हमारे सीईओ पीयूष सिंघल शेयर करेंगे अभी दीपक जी से, मैं इसकी टेक्निकल क्या स्पेसिफिकेशन है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं, ये हमारा किट बहुत सस्ता पीपीए किट है, 200 रुपए की इसकी एमआरपी है बाजार में बिकने की। ये सफाई कर्मी, पुलिस कर्मी, नर्सेस, डॉक्टर्स, सभी के लिए उपयुक्त है। आज बाजार वाला 1,000-1,200 रुपए का किट अपन सफाई कर्मी को नहीं दे सकते, सिंगल यूज का पीपीए किट है, इसीलिए ये अपन ने बिल्कुल पी बेस का पीपीए किट बनाया है, जो 100% प्रूवन है, 100% प्रूवन चीज है ये। और ये हम डॉक्टर साहब को और सब मीडिया वालों को ये आश्वस्त करते हैं कि हमारी जो जगन्नाथ पॉलीमर से जो मटेरियल जाएगा वो 100% प्रूवन ही बाहर निकलेगा, स्वास्थ्य के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होगा, 100% हम ये गारंटी देंगे इसकी। जी, मैं आपके इस कदम का सराहना करूंगा, आपने अच्छा बनाया है, डॉक्टर की सलाह से बनाया है, तो मैं आपकी सलाह दूंगा, वो सस्ते बनाए हैं, अच्छे बनाए हैं, डॉक्टर की राय से बनाए और आपके पास हैं, तो ये बहुत ही सराहनीय काम आपने किया है मेरे हिसाब से। निश्चित रूप से डॉक्टर विपिन खंडेलवाल जी, आपका और पीएम अग्रवाल साहब आपका, आपने समय निकाला सिटी लाइव के लिए, और उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को निश्चित रूप से आज की जो परिचर्चा है वो अच्छी लगी होगी, वो ज्ञानवर्धक लगी होगी, और वो इन सभी नियमों का पालन करेंगे, और अग्रवाल साहब की तरह और हमारे विपिन साहब की तरह, डॉक्टर साहब की तरह आगे आएंगे और समाज सेवा में अपने 2 कदम आगे बढ़ाकर सभी को सहयोग देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद। City Live, a platform to sharing your thoughts. City Live, a platform to sharing your thoughts.